हे दोस्तों, हम सब लोग फ्रूट्स खाते हैं क्योंकि हम सब ने ये सुना होता है या पढ़ा होता है कि फ्रूट्स खाने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन हम सबको ये नहीं पता होता है कि कौन से फ्रूट्स में कितनी कैलोरीज होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी फ्रूट्स के नाम और उनके कैलोरी कंटेंट के बारे में जान जाएंगे। दोस्तों, फ्रूट्स में से मिलने वाली एनर्जी को मेजर करने के यूनिट को कैलोरी कहते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि एक एडल्ट इंसान को एक दिन में करीब 2500 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, फ्रूट्स के नाम और कैलोरीज के बारे में बताऊँ उससे पहले आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी फ्रूट्स के नाम और उनमें होने वाली कैलोरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ये जरूर बताएं कि सबसे ज़्यादा कैलोरीज कौन से फ्रूट्स में होती है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो फ्रूट है वो है ये। इसे हिंदी में सेब कहते हैं और इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से भरपूर होता है और एक नॉर्मल साइज एप्पल में 105 कैलोरीज होती हैं। इसे हिंदी में आम कहते हैं और इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। इसमें 202 कैलोरीज होती हैं। इसे हिंदी में नींबू कहते हैं और इंग्लिश में लेमन कहते हैं। इसमें मेजर कंपाउंड विटामिन सी ही होता है और इसमें 17 कैलोरीज होती हैं। इसे हिंदी में कटहल कहते हैं और इंग्लिश में जैकफ्रूट कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट है। इसमें 142 कैलोरीज होती हैं। इसे हिंदी में संतरा कहते हैं और इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। इसमें 47 कैलोरीज होती हैं। इसे हिंदी में पपीता कहते हैं और इंग्लिश में पपैया कहते हैं। इसमें 120 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में आदू कहते हैं और इंग्लिश में पिच कहते हैं। इसमें 59 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में अनानास कहते हैं और इंग्लिश में पाइनएप्पल कहते हैं। इसमें 82 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में आलू बुखारा या गुद्दा कहते हैं और इंग्लिश में प्लम कहते हैं। इसमें 30 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में अनार कहते हैं और इंग्लिश में पोमोग्रेनेट कहते हैं। इसमें 234 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में नाशपाती कहते हैं और इंग्लिश में पेयर कहते हैं। इसमें 103 कैलोरीज होती हैं। इसे हिंदी में चीकू या सपोटा कहते हैं और इंग्लिश में सपोडिला या नेसबेरी कहते हैं। इसमें 83 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में गन्ना कहते हैं और इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं। और एक ग्लास शुगर केन जूस में अप्रोक्सीमेटली 250 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में तरबूज कहते हैं और इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। इसमें 46.2 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में करमाल या करम्बोला कहते हैं और इंग्लिश में स्टार फ्रूट कहते हैं। इसमें 28.2 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में मौसमी कहते हैं और इंग्लिश में स्वीट लाइम या स्वीट ऑरेंज कहते हैं। इसमें 20 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में बेर या बोर कहते हैं और इंग्लिश में जुजुबे कहते हैं। इसमें 79 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में कृष्णा फल कहते हैं और इंग्लिश में पैशन फ्रूट कहते हैं। इसमें 88 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में रसभरी कहते हैं और इंग्लिश में रास्पबेरी कहते हैं। इसमें 64 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में कीवी कहते हैं और इंग्लिश में भी कीवी ही कहते हैं। इसमें इम्प्रेसिव अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है और 46.4 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में ग्लास मेवा कहते हैं और इंग्लिश में चेरी कहते हैं। इसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है और इसमें 50 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में खरबूजा कहते हैं और इंग्लिश में मस्क मेलन कहते हैं। इसमें 61.2 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में स्ट्रॉबेरी कहते हैं और इंग्लिश में भी स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं। इसमें 48.6 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में केला कहते हैं और इंग्लिश में बनाना कहते हैं। ये सभी जगह आसानी से मिलने के कारण और सस्ते होने के कारण बहुत फेमस है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन B6 होता है। इसमें 110 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में फल सेब कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैक करंट कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है और इसमें 43 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में जामुन कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैकबेरी कहते हैं। ये विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें 43 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में नीलबद्री कहते हैं और इंग्लिश में ब्लूबेरी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन के होता है और इन्हें खाने से ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसमें 43 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में सीताफल या शरीफा कहते हैं और इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। इसमें 94 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में खजूर कहते हैं और इंग्लिश में डेट कहते हैं। ये बहुत स्वीट होते हैं और इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें 66.5 कैलोरीज होती है।
इसे हिंदी में अंजीर कहते हैं और इंग्लिश में फिग कहते हैं। इसमें 43 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में आंवला कहते हैं और इंग्लिश में गूजबेरी कहते हैं। इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है और इसमें 44 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में अंगूर कहते हैं और इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। इसमें शुगर और विटामिन सी होता है और इसमें 69 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में अमरूद कहते हैं और इंग्लिश में गुआवा कहते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत होता है और इसमें 37.4 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में लीची कहते हैं और इंग्लिश में भी लीची ही कहते हैं। इसमें 66 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में खुबानी कहते हैं और इंग्लिश में एप्रिकॉट कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए और विटामिन सी होता है और इसमें 16 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में शहतूत कहते हैं और इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं। इसमें 16.2 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में क्रैनबेरी कहते हैं और इंग्लिश में भी क्रैनबेरी ही कहते हैं। इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है और इसमें 46 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में जैतून फल कहते हैं और इंग्लिश में ऑलिव फ्रूट कहते हैं। इसमें 81 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में किशमिश कहते हैं और इंग्लिश में राइजिन्स कहते हैं। इसमें 299 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में जापानी फल कहते हैं और इंग्लिश में पर्सीमोन कहते हैं। इसमें 118 कैलोरीज होती है। इसे हिंदी में खरबूजा कहते हैं और इंग्लिश में कैंटलूप कहते हैं। इसमें 50 कैलोरीज होती है। और जो आखिरी फ्रूट है वो है ये। इसे हिंदी में एवोकेडो कहते हैं और इंग्लिश में भी एवोकेडो ही कहते हैं। और इसमें 49.3 कैलोरीज होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 44 फ्रूट्स के नाम और उनमें होने वाली कैलोरीज के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपने सुझाव दें। सब्सक्राइब करें चैनल प्रीमेंट को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए चैनल के बाकी के वीडियोज़ ज़रूर देखें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।